IBN 24 न्यूज में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं सीहोर जिले की, जहां पर सीहोर में बुधनी विधानसभा में विकास के दावे खोखले। शिक्षा के नाम पर बच्चों की हो रही है फजीहत। बुधनी विधानसभा में एक बार फिर गूंजे विरोध के स्वर। शिवराज सिंह चौहान का गृह क्षेत्र कहे जाने वाले विधानसभा के ब्लॉक नरसुलागंज ब्लॉक के ग्राम पंचायत नमोहा अंतर्गत ग्राम पलासी खुद में ग्रामीणों ने बैनर लगाकर चुनाव का किया बहिष्कार और कहा कि सड़क बिजली पानी शिक्षा नहीं तो वोट नहीं। देखिए पूरी खबर IBN 24 न्यूज पर। वसीम खान यहाँ पर क्या क्या समस्या, पानी की क्या क्या समस्या आती भाई आपको? पानी लेने कहाँ जाती है जैसे? कितनी दूर पड़ता है आपके घर से ये कुआं? अच्छा, ये सीएम साहब बार बार कहते हैं कि हमने महिलाओं को बहुत सुविधा है, कि आपके यहाँ उज्ज्वला गैस के कनेक्शन मिले होंगे? मिले हैं। और इसके साथ जैसे कि और भी समस्या जो महिलाओं को दी जा रही है, जैसे कि पानी के ले लें आप, तो पानी के लिए जो उन्होंने बोला कि नल जो आ रहा है, नल जल योजना में नल आए हूँ, नहीं आए कभी भी नहीं आए। अच्छा, नर्मदा जी का जल आने का था, बहुत मतलब कुल मिला के कोई भी सुविधा नहीं मिली। अच्छा, रोड के लिए जैसे आप बारिश के दिनों में आपको जाना है, फिर कैसे क्या जाएंगे? अब तो हुए था बीमार हो तो कहीं बहुत जाओ, अब तो हुई पैदल चले कहीं, और बरसात के दिनों में बच्चे कैसे जाते पढ़ाई? कैसे जाओ, कुछ पूछेगा पानी रह गया जब तीर से भैया उतर उतर जाना पड़ेगा। अच्छा, आपको उतार जाना पड़ता है। पलासी का ही आना जाना है हमारा। किस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं हमारी? सबसे पहली मेन समस्या तो ये रोड वाली है, क्योंकि 3 किलोमीटर का ये जो रोड है हम उससे परेशान होते हैं कि हद से बेहद। हमने सीएम साहब को भी जाकर नहीं दरखास्त दी, सबको 50-50 रुपये, कुछ गरीबों के पास तो पैसे भी नहीं निकले, जब भी गला पानी बेच के निकल लगा भैया कि चलो अपना रोड हो जाएगा, बारिश में कोई बीमार कुत्ती हो जाए तो परेशान इसमें। सीएम साहब ने उस बात का भी ध्यान नहीं दिया, हाँ आपका रोड हो जाएगा, आज तक कोई वो नहीं। सचिव कहता है, कहने लगा है कि तुम्हारा रोड आ गया है, फिर कह देता है, कहने लगा है अभी तो मजदूर नहीं मिल रहा है, तो ऐसा नहीं हो रहा है, हमको 2 साल हो गया ऐसे ही अभी आप बता रहे थे क्या मामला रहा? वो हमें पैसे नहीं मिल पाया। नहीं तो रोड आपने बनाया तो सचिव ने पैसे कैसे निकाले? जब आप बता रहे थे कि चंदा करके हमने रोड, हाँ चंदा करके नहीं हमने मरम्मत की, सचिव ने पैसे निकाले। इसकी शिकायत नहीं करी आपने कहीं? नहीं तो सीओ साहब को बताना चाहिए ना साहब, ये आपने पैसे निकाल दिए है और रोड तो हमने बनाया चंदा करके। हमसे ये बोला कहने लगा है तो बस अभी ये कहने लगा है कि सोयाबीन कट जाए, और आपका कहने लगा है कि रोड आ गया है, आप जो है रोड तुम्हारा कहने लगा है आप डामर ही बनेगा, तो हम और चुपचाप बैठ गए। विधायक कार्यालय नक्सल में बनाया गया तो कभी इसको जाके शिकायत आपने नहीं करी? जैसे वहाँ पे गुरु जी भाटी जी वगैरह राजी महाजी जी वगैरह सब बैठे रहते, तो आपने नहीं बोला था? सबके पास गए, सबके पास गए, लेकिन कोई लोग नहीं हमारे पास गए। क्या बोलते हैं वो? तो कहने लगे हाँ हो जाएगा, करवा देंगे, सीएम साहब ने बोल दिया है, सीएम साहब कर देंगे आप। अभी कभी कोई से नेता आते हैं तो कहने लगा है कि वो तुम्हारा रोड हो गया है, इधर टिकट से कहते हैं, तो कहने लगा है कभी कुछ नहीं हुआ, टेस्ट नहीं हुआ, तो वो नेट पे नहीं डाला, ये मजदूरी पता कि नहीं हमको पता नहीं। मिला के देखा जाए तो नेता से लेके कर्मचारी तक सब बहानाबाजी कर, सब बहानाबाजी मतलब बहानाबाजी बना रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन अभी तक। तो अब आप क्या चाहते हैं चुनाव? जैसे आप नज़दीक आ रहा है विधानसभा का चुनाव भी है, और अब 28 तारीख को जैसे वोटिंग होगी, तो अगर जैसे कोई भी नेता बीजेपी का आता तो आप क्या करेंगे? बहिष्कार करेंगे? तो कैसे बहिष्कार करेंगे, क्या करेंगे? बीजेपी को भी, और यदि हमको कांग्रेस ने भी अगर कभी ये शिक्षा हम
हमारा रोड का काम या वो नहीं करा है तो हम उसको भी नहीं। जैसे देखा जाए तो अभी कांग्रेस की सरकार है नहीं तो वो रोड कैसे बनाएगी? रोड तो बीजेपी को बनाना चाहिए था, जैसे 15 वर्षों से बीजेपी की सरकार रही है और देखा जाए तो उससे पहले कांग्रेस भी रही है कहीं ना कहीं, 70 साल तो रही है और बीजेपी का 15 साल हो गया, अभी तक आपको रोड नहीं मिला तो क्या लगता है भविष्य में सरकार तो दोनों सरकार से कोई उम्मीद ही नहीं लग रही है, क्योंकि 70 साल तो वो रहेगी, 15 साल ये रहेगा, कुछ भी नहीं, देश से मतलब क्या निकलता है? मतलब कुल मिला के आप वोट नहीं करेंगे, बहिष्कार करेंगे?